टाइम क्या हो गया, टाइम होगा 10:30, ये ब्लॉग शुरू हो रहा है 10:30 बजे, समझ रहे हो। और ये ब्लॉग का कोई शुरू करने की वजह नहीं थी, क्योंकि मैं जा रहा हूँ जयपुर और कुछ हमारे चंद दोस्त हैं जो पहाड़ों से ऐसे ऊंचाइयाँ छू कर वापिस आए हैं, उनसे मिलवा देते हैं। वो सब लोग आए हैं आज हमारे से मिलने, 2 महीने बाद मिल रहे हैं हम लोग। मैं बता रहा हूँ ये बंदा ही गलत है, मतलब 2 महीने के बाद आया है, एनर्जी इतनी लो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चढ़ के आया स्तोकांगड़ी। कहाँ पर चढ़ के आया? हिमालय का सबसे हाईएस्ट ट्रेकेबल पीक। ये चीज मेरे को इसी ने बताई थी जब मैं स्तोकांगड़ी करके आया था, तो मेरे को करा पता ही नहीं था भाई साहब को कि करके गया है मैं। क्या देखो, अपने टैलेंट का तो अपने को था, अपने पहाड़ चढ़ देंगे, पहाड़ चढ़ दिया हमने। और ये मेरे को आके बोल रहे, तेरे को पता सत्य कौन सा पहाड़ चढ़ तू, वर्ल्ड का हाईएस्ट ट्रेकेबल माउंटेन चढ़ाया। मैं क्या बात कर रहा, मैंने टाइटल चेंज। तो अब मेरे बाद ये करा है, कांग्रेचुलेशन। कैसा फील हुआ? बाल बाल बचा हुआ है, बाल बाल ही बचे हैं, बाल बाल ही बचे हैं, नहीं बचा है। लेकिन सही में वो जो फील था ना वापस, वो सांस लेने का जो मजा आ रहा था ना। पर जो लोग बोलते हैं ना कि स्तोकांगड़ी कर सकते हैं नहीं कर सकते, मेरे को लगता है कि अगर आपको स्तोकांगड़ी जाना है तो आप उससे पहले 2-3 कम से कम बड़े बड़े ट्रैक तो कर लो तुम इजीली, और बहुत प्रिपरेशन करके आना पड़ेगा, बहुत भागना पड़ेगा रोज के रोज, कम से कम 2 महीने तक तुम पहले भागो, 2 महीने तक प्रिपरेशन करो, उसके बाद ही होगा वरना नहीं होगा। वही उस दिन हम लोग 20-25 लोग गए थे सबमिट करने के लिए, सिर्फ 6 ही लोग ऊपर तक पहुंच पाए सबमिट तक, बाकी सब वापस। और एक इंसिडेंट भी हुआ कि कोई मर भी गया था, की डेथ भी हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। वो इनको जाते हुए नहीं बताया था कि कोई मर गया है, पर आते पैनिक हो जाते थे, फिर पैनिक हो जाते। और वो नाइट का ट्रैक है, तो नाइट के ट्रैक में पैनिक होना बहुत ही बड़ी बात है। ऊपर से वो -20-22 डिग्री था टेम्परेचर, उसमें हम लोगों को चलना पड़ रहा था। और हम लोग अगर कोई बताया था कि किसी की डेथ भी हो गई यहाँ पे, अगर बॉडी पड़ी है तो फिर तो गड़बड़ हो जाते, तो समझ रहे हो। और हमारे साथ कुछ और लोग भी है, वो भी आए हैं। तो फटके फ्लावर के बाद आज सिर्फ हम घर पर बैठे थे, मैं जयपुर में जा रहा हूँ टॉक जर्नलिज्म पे, आपको पता है 20 तारीख को मैं बोलने वाला हूँ उस पर। बड़े लोग हुए भाई, अभी ऐसे रुकते नहीं। तो सब लोग आए हैं आज, थोड़ा रीयूनियन है, 2 महीने बाद ये आया है। स्पर्श से हम फिर भी दुलाली में कभी कभी ऐसे ये क्या बोला आपने? स्पर्श वहां पर कभी कभी मीटिंग करने जाता है। अभी इसका थोड़ा म्यूजिक सुनेंगे, उसके बाद हमारा एक दोस्त और है, वो भी अगर उसने एडिट कर लिया हो जो आपके क्वेश्चन है, तो वो भी आने वाला है। बाकी तब तक हम चिल करते हैं, इंतजार हो रहा है, बहुत इंतजार करवाते हुए इंसान बहुत। और जय तो बहुत सारी स्टोरी लेके आया, बहुत कहानी है मेरे पास, बहुत कहानी इसकी। तो मनाली की अभी धीरे धीरे अर्जेंटीना कहाँ, थोड़ा सा म्यूजिक सुनते हैं, उसके बाद आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। इस बंदे ने मुझे बोला कि बस की कोई भी बुकिंग करा दे, वो तेरे को मनाली लेके जाएगी। वो बस वालों ने क्या किया, स्ट्राइक कर दी। 4-5 अंग्रेज लोग को इकट्ठा किया, उनको बोला शहर में जाएंगे और इनोवा बुक की, और बोला चलो। तो उसमें से 2 अंग्रेज तो वो वाले थे, फटके फूल होने वाले, फटके फ्लावर की जगह फटके फूल होने वाले। वो बंदी बोलती है कि बंदी झगड़ रही है उसके बॉयफ्रेंड के साथ में, वो जो इजरायली था उसका बॉयफ्रेंड था, और तो झगड़ रहे वो बंदा उसको बोल रहा है से 5 times ओम शांति ओम शांति। हम चुपचाप बैठे हैं, उनके झगड़े चल रहे हैं, फिर शांत हो रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं शांत हो रहे हैं। और मैं वैसे चुपचाप बैठा हूँ आगे, मैं और वो जो मेरा ड्राइवर साहब था वो हरियाणवी था, उससे बातें चल रही है यहाँ वहाँ की, ऐसे ऐसे अभी चंडीगढ़ आने वाला है। और होता क्या है, बंदी उठती है। बताओ क्या? बंदी उठती है बंदी उठती है अचानक से, बंदी मुझे किस करती है, बंदी बैठती है, और गाड़ी है ना पूरी ऐसी की ऐसी हो जाती है। कुछ भी हुआ हो
विदेशी पप्पी मिली है, विदेशी पप्पी। सुरेश देख ले तेरे लड़के को, अंकल सुरेश समझ रहे हो तुम क्या हो रहा है? मतलब इंडिया में कोई हाथ नहीं था, मैं एकदम मेरी आंखों इसका सिर्फ गाल था, इसका सिर्फ गाल था, कौन सा इनका गाल था, क्या था। ठीक है, यही थी इसकी बनाली की स्टोरी। पर धक्के खाते खाते पहुंच गया, पहुंच गया मैं धक्के खाते कैसे कैसे। अब अगला गाना उड़के छोड़ा है जान बीच में तुम्हारे बहुवाले, दूर दूर लोग बाग मिलो दूर ये वादी आप लोगों को लगेगा कि हम सिर्फ मस्ती करते हैं, मस्ती के साथ आपको खाना पीना खा लेना चाहिए। हमको लगे भूख, हम जा रहे हैं खाना गर्म करने के लिए। हमने मंगाया मस्त अपना तवा चिकन, तवा चिकन वेज रुमाली रोटी। हम वेजिटेरियन है, हम हमारी दीदी ने हाथ मारने वाला इंसान ही है, कुछ वेजिटेरियन नहीं है। वो तो हक बनता है ना, दोस्तों की थाली में हाथ मारते रहे। मतलब दोस्त आए हैं तो उसका फायदा क्या हो रहा है, मतलब हमसे काम कराया जा रहा है, मतलब ठीक है। हम तुम्हारे घर में आगे कर लेंगे, मेरा मन कर रहा है ना इसमें नमक डाल दो, एक मुट्ठी डाल के। कुछ ग्रुप में दोस्त हरामी होते हैं, ये जो रापती रापनु हाथ पान चलाई ना बंदा, हाँ वही है, समझ रहे हो? शकल दो, ठीक है, शकल दो, शकल पे तो पप्पी लेके गई है। जिधर पप्पी ली ना वहां से दाढ़ी नहीं आ रही है, दाढ़ी नहीं आ रही, ये मुंह नहीं धो रहा उधर से, इसके लेके बात, ये इतने दिन से नहा रहा है, इधर इधर पानी गिरने नहीं दे रहा, समझ रहे हो? हां, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है सुरेश, ये दुनिया बहुत बुरी है मां। सुरेश अंदर से खुश हो रहा होगा, शुक्र है मेरा बेटा कहीं पर जाके मत्था मार के आया। प्रियंका शुक्ला आ चुकी, ये हमारी सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है, गोल्ड अवार्ड नॉमिनेटेड, जो काफी लोगों ने, आप लोगों ने वोट किया है, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो कौन सी कैटेगरी में जाके, ऐसे goldawards.in उसमें नॉमिनेशन, उसमें नॉमिनेशन में जाके 5-6 कैटेगरी को आपको छोड़ के बेस्ट कॉमिक फीमेल में जाके आपको इसको वोट करना है। ये तो होगी मुद्दे की बात। दूसरी बात, हम कल से शॉपिंग कर रहे हैं और मेरे कार्ड से पेमेंट ले नहीं रहा, तो प्रियंका जी प्लीज, प्रियंका बोलना ना, मेरे को बड़ा अजीब लगता है, हम इसको बॉब बोलते हैं इसीलिए, प्रियंका मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है। तो ठीक है, बॉब द बिल्डर है ये। खाना वाना सबका हो गया, खाना खा लिया भाई सबने, पेट वेट भर गया सबका, फुल पावर, फुल पावर। ढान ढान टन 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 टन, आई आई सेट है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सब ब्रो, व्हाट्स अप ब्रो। तू क्या समझ रहा था कि तेरे कैमरे के लिए मैं कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग करके दिखाऊंगा तेरी तरह, तू वो समझ के रखा है? मेरा पैसा कब देगा? जो जो इंसान तोलिए में दिख चुका है उससे अब हम एक्टिंग की क्या उम्मीद करेंगे? पैसे दे देंगे इसके यारी दोस्ती में, उधारी नहीं चलता तो कैसे चलता ना? तो अगर पैसा नहीं, गाली और पैसा, ये दो चीजें चलनी जरूरी है दोस्ती में, तो दोस्ती पक्की। दारू भी बोल दे, दारू तो मैं अकेला ही पीता हूँ, तू पीता नहीं है? दे रे, मैंने तेरे को दिया ना नेपाल में रे, तू भी मेरे को देना रे। तूने किया स्ट्रोक कांगरी, कैसा जान बचा बचा के, कैसा है स्पर्श हमारा देसी आर्टिस्ट, अपना देसी आर्टिस्ट एंड फटके पटाखा, क्या बोला, फटके फ्लावर, फटके फ्लावर, फटके फ्लावर एंड फटके पटाखा सब इधर ही, फटके पटाखा। So we will enjoy the Cheetah Day today, and आज मोदी जी का बर्थडे भी है। तो तेरा नाम बहुत बड़ा हो गया भाई, बहुत बड़ा, अभी भी बोला क्या है, जयसिंगल बहुत ही ऊंचा चढ़ के आ गया इसलिए उसका नाम भी बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा। पहले पहले उसकी हाइट बहुत बड़ी थी, फिर उसको रहता भी 5 फुट जमीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए,
जब ग्राउंड फ्लोर पे जा ग्राउंड फ्लोर के वहां पर जाएगा ना, इतने गटर मिल गया उसको खोल के बाहर अंदर चले जाएगा। ऐसा कैसा तो मुद्दे की बात यही है कि ये बकबक ऐसी चलती रहेगी। बस जी अब ये ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, हम सिर्फ आज मिल रहे हैं बहुत दिनों के बाद, इससे तो 2-3 महीनों के बाद, इससे सब चार दिन के बाद, इससे शाम के बाद, इससे परसों दुलाली मिले थे, बॉब कल ही मिली थी, शॉपिंग कर रही है कंटिन्यू। ओके तो बस ठीक है जी, उन आपका ख्याल रखो, असी भी आपका ख्याल रखो, अच्छा ही कुछ बोल रहा है, पैसा दे देना देख है एक डेट तो बता दे लोगों को कितने दिन पैसा दे दूंगा, अभी 15 मिनट बाद। चलो एक कमरे में ब्लॉग खत्म किए थे, शुरुआत भी एक कमरे में खत्म, एक कमरे में और इधर ही, ठीक है चल अब कर लेते, चल ठीक है चलो आपका ख्याल रखो, लाइट भी पहुंच गई भाई, राम राम का बाय बाय बाय। फोरग्राउंड में आया बहुत ही प्यारा बोल, क्या बात है ब्रो।